हेलो गाइस, क्या हाल चाल है। आपने LG की नैनो सेल टेक्नोलॉजी जो कि QLED पैनल के साथ लॉन्च हुआ है, वो टीवी के बारे में आपने सुना। मुझे पता है आपका सारे लोग सोच रहे होंगे LG QLED पैनल कहाँ लाता है भाई साहब, LG तो OLED पैनल बनाता है। लेकिन इस बार LG ने अपनी जो नैनो सेल टेक्नोलॉजी, जो कि हालांकि पिछले साल भी उसने लॉन्च करी जिसमें QLED पैनल था, इस साल 2023 मॉडल भी लॉन्च हो चुका है, जो कि LG नैनो सेल 73 टीवी लॉन्च हो चुकी है, जो कि एक QLED टीवी है। और सबसे बड़ी बात, जिस प्राइसिंग में आ रही है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया प्राइसिंग से, उसके साथ पिक्चर क्वालिटी भी इसकी लाजवाब है। इसीलिए मैंने सोचा यार आपको एक टीवी रिकमेंड करनी चाहिए, क्योंकि मुझे पता है थोड़े दिन बाद आपकी सेल्स होने वाली है अमेजन और फ्लिपकार्ट दोनों पर ही। तो चलो जल्दी इस टीवी में आपको सब कुछ बताया जाए, जो कि आपको एक बढ़िया स्मार्ट टीवी लेने से पहले आपको देखना चाहिए। तो चलो जल्दी इस वीडियो को शुरू करें, उससे पहले आप सभी बता क्या करना है, चैनल जाकर जल्दी सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन कॉल करें, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाँ तो चलो जो वीडियो को आगे बढ़ाया जाए, उससे पहले आपको बता देता हूँ, देखिए LG नैनो सेल QLED पैनल, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे LG नैनो सेल, आपको बताता हूँ ये पिछले साल भी LG ने लॉन्च किया था, जो कि टीवी बहुत ज़्यादा बेहतरीन थी, और इस साल अपडेटेड वर्जन है 2023, क्या गजब की पिक्चर क्वालिटी के साथ वाकई में LG ने लॉन्च किया है, और प्राइस रेंज भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। हालांकि आपको आगे प्राइस रेंज बताएंगे, उससे पहले आपको इसकी जो खूबियाँ आपको पता कर लेनी चाहिए जल्दी से। जैसे कि आपको इसमें पिक्चर कोडेक की बात करिए, तो आपको इसमें जो है HDR10 Pro, HLG, साथ साथ में HDR10, ये सारे के सारे फॉर्मेट आपको मिल ही रहे हैं। साथ साथ में जो आपको 8-bit FRC VA पैनल मिल रहा है, उसके मारे जो ब्लैक्स, जो क्लियरिटी, जो क्रिस्टल क्लियर कलर्स आपको इस वाली टीवी मिलना है, नेक्स्ट लेवल के कलर्स मिलना है। जब मैंने इस टीवी को खुद टेस्ट किया, मज़ा आ गया, मन किया यार एक पूरी पूरी फिल्म है उसको आप देखते ही चले जाओ, देखते ही चले जाओ। आपको सच बता रहा हूँ, आपको बिल्कुल एक ग्रैब करके रख लेगा अपनी तरफ ये। और जैसे कि बात करेंगे, जैसे कि आपको इसमें 8-bit FRC पैनल मिल रहा है, जो कि VA पैनल है। आप जब इसमें कलर्स पिक्चर क्वालिटी की बात करिए, जैसे कि आप कोई भी मूवी देख रहे हो, मूवी में जो कलर्स, मान लीजिए जो कहीं पे जैसे कुछ ऐसे शेड्स होते हैं जहाँ पे जो है लाइट सिस्टम भी है, वहाँ पे ब्लैक सिस्टम भी है, मतलब शेड्स भी आ रहे हैं वहाँ पे, लाइट सिस्टम भी है वहाँ पे, जो कंट्रोल करता है जहाँ पे VA पैनल जो अपने ब्लैक्स आपको इनपुट देता है, साथ में जो QLED पैनल लगा हुआ है, उसके मारे जो आपको कलर्स पंच आउट कलर्स मिलते हैं बहुत ज़्यादा, एक एक कलर्स को शेड्स हैं बहुत अच्छी तरीके से। ये नहीं होता यार शेड्स का मतलब, ये नहीं होता कि आपको जो ऑरेंज है ऑरेंज दिखे, ऑरेंज के जो वाइब्रेंट्स, ऑरेंज के जो और भी ज़्यादा रूप हैं वो भी आपको कलर्स में दिखने लग जाए, वो चीज़ होती है अच्छी पैनल, जो कि आपको इस वाली टीवी में मिल रहा है। साथ साथ में आपको बताना चाहूँगा, आपको जैसे मतलब HDR10 Pro है, HDR10 Pro आपको बताना चाहूँगा HDR10 Plus से भी ऊपर का फॉर्मेट है, क्योंकि जैसे जहाँ पे कलर पिक्चर क्वालिटी होती है, उस कलर पिक्चर क्वालिटी को अडाप्ट करना, मतलब कि कहने मतलब ये, जैसे कि आप रात में कोई पिक्चर मूवी देख रहे हो या दिन में कोई मूवी देख रहे हो, उसके हिसाब से अपने आप को अडाप्ट करना, मतलब आप रात में देख रहे हो तो अपने आप को सिंक करेगा, देखेगा कि अगल बगल लाइट्स काफ़ी कम है तो अपने आप से वो कलर्स को आपको उस तरीके से दिखाएगा, दिन में बहुत ज़्यादा रोशनी है मान लीजिए तो आपको उस हिसाब से कलर सिखाएगा। तो ये चीज़ मतलब एक नई तरीके की चीज़ें हैं, मतलब नई तरीके, हालांकि कई सारी कंपनी करी, लेकिन ये जो चीज़ डाली LG ने बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से अडाप्ट करी इस चीज़ को। और जो इसमें प्रोसेसर लगा, जैसे Alpha 5 Gen 5 प्रोसेसर लगा है, जिसके कारण से इसमें 4K आपको HDR10 के कंटेंट जब देखोगे, HDR10 Pro के कंटेंट देखोगे, नेक्स्ट लेवल के कंटेंट आपको लगने वाले इसमें। आप चाहे Amazon Prime पे देखो, चाहे आप Netflix में देखो, चाहे आप डिजिटल हॉटस्टार में देखो, चाहे HDR को आपको YouTube पे देखना हो, कहीं भी देखो बहुत ज़्यादा अच्छा है। जैसे कि आप मान लीजिए जैसे कोई HD चैनल देख रहे हो, जैसे कोई न्यूज़ चैनल है HD चैनल देख रहे हो, वो तो आपको मज़ा आ जाएगा देखे, कोई भी मुझे दिक्कत नहीं लगेगी। अब HD देखोगे तो आपको लगेगा यार बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, कलर्स देखने में पंच आउट हो रहे हैं, विविड पिक्चर इंजन काम कर रहा है अच्छी तरीके से इसमें। जैसे आप फुल HD में बढ़ोगे तो आपको एक नेक्स्ट लेवल का मज़ा आने वाला है, क्योंकि फुल HD को वो 4K में कन्वर्ट करेगा, आपकी स्केलिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है। और लिटरली बताओ, जैसे ही आप 4K कंटेंट देखोगे, आपको लगेगा जैसे आप कोई मूवी हॉल में बैठे हो, इतनी अच्छी पिक्चर क्वालिटी। मैं टिका का टिका रह गया वहीं पे जब मैं देख रहा था, मैंने अवतार के कुछ सीन्स देखे, मैंने अलग अलग मूवी से कुछ सीन्स देखे, नेक्स्ट लेवल का मज़ा आ गया मुझे। जो कलर्स, एक एक कलर्स को पिक आउट करके, जो पंच आउट करके आपको दिखा रहा है, रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, वाइट, एक एक कलर्स को एक एक बिट में, ये नहीं कि यार सारे कलर आप मिक्स हो रहे हो, ये चीज़ देखिए, देखने के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, घंटों घंटों तक हम लोग एक ही जगह पिक्चर को रोक करके देखते हैं, फिर चला के देखते हैं, फिर रोक करते हैं, फिर चला के देखते हैं, इस तरीके से टेस्टिंग होती है। इस टेस्टिंग में मैं बोलना चाहूँगा LG को मैं 10 out of 9.5 नंबर देना चाहूँगा, जो नेक्स्ट लेवल की पिक्चर क्वालिटी दी LG ने इस प्राइस रेंज के हिसाब से, बल्कि तो मैं कहूँगा 10 out of 10 भी मैं दे सकता हूँ, क्योंकि जो बजट रेंज में आपको लगेगा ना, अगर बजट की बात करोगे जो प्राइस में लाई, जैसे आपको मैं जल्दी से प्राइसिंग बता देता हूँ, प्राइसिंग भी इसकी बहुत ज़्यादा लाजवाब है आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि आप 43 इंच की टीवी लोगे तो लगभग आपको 40,000 रुपीज़ मिलेगी, आपको प्रेजेंट टाइप की प्राइसिंग बता रहा हूँ सारी, ठीक है, आगे पीछे होता रहता है प्राइस। 55 इंच की टीवी लोगे तो आपको 80,000 रुपीज़ की मिलेगी, और 65 इंच की टीवी लोगे तो आपको लगभग लगभग 57,000 की मिलेगी। 50 इंच की टीवी 2023 मॉडल में नहीं है, आपको 43 इंच या फिर सीधे 55 इंच की टीवी लेनी पड़ेगी। और हाँ, सभी टीवी को जो लिंक्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जाए मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करिए, जो भी टीवी की साइज आपको पसंद आएगी उसको आप जाकर खरीद सकते हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि कभी प्राइसिंग इसकी 39,000 होती है, कभी 38,000 भी होती है, और अभी जो 15th और
16th को, जुलाई को अभी सेल आने वाली है अमेजॉन प्राइम की, उसमें आपको और भी ज़्यादा ये सीरीज सस्ती मिल सकती है। लेट से 40,000 या 38,000 की तो आपको 35 तक की टीवी जा सकती है, जो कि मैं कहना चाहूँगा अगर आप खरीद रहे हो 30,000 की टीवी खरीदो तो आप 5,000 रुपये अगर आप बढ़ाते हो इस वाली टीवी के लिए, तो मैं बता रहा हूँ लाइफ में कोई दिक्कत नहीं होगी जब तक ये टीवी आपके चलने वाली, जब तक ये टीवी चलेगी लाइफ में, मतलब कि टीवी की लाइफ में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी आपकी लाइफ की बात नहीं कर रहा हूँ। जो कलर पिक्चर क्वालिटी बोलो मैं बोलो आँख मूंद के खरीद लो अगर आप खरीदना चाहते हो वाकई में, लेकिन और टीवी के बारे में आगे सुनना तो और सुन लीजिए। ये अब बात कीजिए इसकी साउंड क्वालिटी की, साउंड क्वालिटी मतलब कि इसमें देखिए आपको खाली 20 वाट के हालांकि स्पीकर मिल रहे हैं, लेकिन अच्छी क्रिस्टल क्लियर साउंड है। लेकिन आपको चाहिए अगर मतलब बिल्कुल सिनेमेटिक इफेक्ट, तो सिनेमेटिक इफेक्ट के लिए आपको ये वाले साउंड थोड़े से कम पड़ सकते हैं। 43 इंच की टीवी लोग या फिर अगर 55 या 65 इंच की टीवी लोग तो नॉर्मल सी बात है बहुत ज़्यादा कम साउंड लगेगा, तो उसके लिए आपको अलग से एक साउंड बूफर सिस्टम खरीद सकते हो। लेकिन अगर आपके रूम मान लीजिए आप एसी में टीवी को देखते हो, आपके रूम में एसी लगी हुई कूलर नहीं लगा हुआ, तो आपके लिए 20 वाट स्पीकर कहीं ना कहीं आपको अगर डेली न्यूज़ देखना तो अच्छा है, लेकिन अगर आपको मूवीज देखनी तो आपको सिनेमेटिक इफेक्ट तो नहीं है, उसके लिए आपको अलग से एक बूफर सिस्टम लेट से 4,000-5,000 या 10,000 तक का खरीदना पड़ेगा। और अच्छे स्पीकर की लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जो आपको खरीदना चाहते हो वहां जाकर खरीद सकते हो। अब बात करिए जैसे कि इसकी साउंड क्वालिटी मैंने आपको बता दी, आप अलग से साउंड क्वालिटी इसमें अलग से जो है HDMI के थ्रू लगा सकते हो। HDMI के आपको इसमें 3 पोर्ट मिल जाते हैं, जिसमें एक HDMI 2.1 पोर्ट है, और 2.1 पोर्ट होने का मतलब ये है कि आप इसमें गेमिंग भी कर सकते हो, लेट से PlayStation 5 लगा सकते हो, और PlayStation 5 में इसमें जो है नैनो सेल गेमिंग टेक्नोलॉजी दी गई, जिसके आप एक्सपीरियंस से फास्ट स्मूथ गेमिंग होगी। इससे क्या होता है जैसे आपके जो फ्रेम रेट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से स्मूथ होंगे, आपको एक भी जगह लैग महसूस नहीं होगा, क्योंकि आपको ऑटो लो लेटेंसी मोड इसी टीवी में मिल रहा है, और साथ साथ में MEMC मिल रहा है, तो जिटरनेस तो जाकर ना के बराबर हो। जिटरनेस तो आपको समझ लीजिए गेमिंग के साथ साथ आप जैसे कोई भी एक्शन फिल्म देख रहे हो या फिर आप फुटबॉल देख रहे हो क्रिकेट देख रहे हो, तो वहाँ भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। अब बात करी जाए आगे जो नेक्स्ट लेवल की चीज़ होती है जो LG में, जो देखिए LG की खुद की चीज़ें होती है, जैसे बोलता है WebOS, LG का ये खुद का ही आपको एंड्रॉयड टीवी नहीं है, लेकिन आपको LG का खुद का OS मिल जाता है जो कि WebOS है, जिसमें आपको जरूरी की जरूरी जितने भी ऐप्स हैं ना सारे के सारे ऐप्स मिल जाएंगे। हाँ, लेकिन 5,000-7,000 ऐप जैसे एंड्रॉयड में होते हैं उतने ऐप्स नहीं मिलेंगे, लेकिन यार उतने ऐप्स की किसी को जरूरत नहीं होती। टीवी में कोई 7,000 ऐप्स थोड़ा यूज़ करता है, आपको लेट से टीवी में जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हो Amazon Prime, Netflix, Hotstar, जितनी भी चीज़ें होती हैं ना वो सारे के सारे ऐप्स मिल जाएंगे आपको, समझ लीजिए आराम से आपको 1,000-2,000 ऐप्स इसमें भी मिल जाएंगे आपको। और साथ साथ में आपको बताना चाहूँगा जो आपको इसमें सॉफ्टवेयर का इन्हांसमेंट मिल रहा है आपको, क्योंकि LG का जो सॉफ्टवेयर है आपको गूगल से ज़्यादा अच्छा लगने वाला, गूगल मतलब एंड्रॉइड से ज़्यादा अच्छा लगने वाला, क्योंकि बिल्कुल भी जिटर नहीं होती, बिल्कुल भी लैग नहीं होता, कोई भी ऐप को खोलोगे तुरंत खुलता है, तुरंत होता है। और साथ साथ में आपको इसमें साथ में मैजिक रिमोट मिल रहा है, आप खुद सोचो 40,000 की टीवी में आपको मैजिक रिमोट मिल रहा है LG की तरफ से, जो लेट से आप बात करें तो ज़्यादातर LG अपनी 50,000-60,000 की टीवी मिलता है जो मैजिक रिमोट, जो कि आपको इसमें साथ में मैजिक रिमोट मिल रहा है, और LG की मैजिक रिमोट की कीमत ही होती है आराम से 2,000-3,000 रुपये, वो आपको इसके साथ मिल रहा है। और आपको डेडिकेटेड इसमें एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट की बटन मिल रही है, और एक फीचर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि अडाप्टिव ब्राइटनेस की, मतलब आपके रूम में लाइटिंग कैसे उसके हिसाब से ब्राइटनेस टीवी की अपने आप से बढ़ जाएगी, अपने आप से घट जाएगी। ये चीज़ LG ने वाकई में अच्छा काम किया इस वाली टीवी में। और यार QLED पैनल तो बोलने की कोई जरूरत नहीं है, VA के साथ QLED पैनल है, तो आपको जो ब्लैक्स, पिक्चर क्वालिटी, कलर क्वालिटी, ये सब चीज़ें तो मिल ही रही हैं, गेमिंग भी आप अच्छी कर सकते हो इस वाली टीवी में, जैसे कि मैंने आपको अभी तक बताया। कि अगर आप साथ साथ में जैसे कि आपको और अदर फीचर दे, तो आप इसमें एप्पल का एयर प्ले आपको मिल जाएगा, साथ साथ में एप्पल की होम किट भी आपको मिल जाएगी, एक ओके गूगल होम एलेक्सा तो मैंने आपको बता ही दिया आपको इसमें, ये सारी चीज़ें। अब आते हैं मेन चीज, जैसे कि आपको इनपुट्स, तो आपको HDMI के 3 इनपुट मिलना है, 2 USB पोर्ट मिलना है, ईथरनेट, ऑप्टिकल केबल, डुअल बैंड वाईफाई, ये सारी की सारी चीज़ें आपको भर भर के आपको इस वाली टीवी मिल रही है, तो आपको उससे भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आएगा क्या मुझे ये टीवी लेनी चाहिए, या फिर मुझे मेरा बजट है 30,000 रुपये, क्या मैं 40,000 की टीवी को लूँ। देखिए ऑफर्स में अगर ये टीवी आपको, मैं कह रहा हूँ लेट सपोर्ट्स आपको 37,000 की मिल जाएगी, अगर आपका बजट वहाँ तक आपको पुश करने दे रहा है, ठीक है, आपका बजट आप वहाँ तक 30,000 की टीवी ले रहे हो, तो अगर 2,000-3,000 रुपये बड़ी मुश्किल से लोग बढ़ा पाते हैं, लेकिन अगर आप 7,000 रुपये बढ़ा पा रहे हो तो ही आप इस वाली टीवी को लीजिएगा, नहीं तो आप सैमसंग की क्रिस्टल ले सकते हो, क्रिस्टल आई स्मार्ट टीवी ले सकते हो, वो भी 33,000-32,000 रुपीज़ की मिल जाएगी, या फिर आप जो है MI की X Pro ले सकते हो, लेकिन अगर आप बढ़ा सकते हो इतना बजट, तो मैं इतना बजट अगर आपको वाकई में है या फिर बढ़ा सकते हो, तो मैं नहीं कहूँगा कि आप सैमसंग की क्रिस्टल आई स्मार्ट लो, आप इसी वाली टीवी के लो जो प्राइस रेंज में ये टीवी आपको जो चीज़ें दे रही है, मेरे ख्याल से कोई अदर टीवी नहीं दे रही, हर एक मामले मुझे यार टीवी बेहतरीन लगी। खरीदना चाहते हो लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, 43 इंच, 55 इंच और 65 इंच। मेरी तरफ से कलर क्वालिटी, पिक्चर क्वालिटी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, ठीक है, साथ साथ में ड्यूरेबिलिटी, VA पैनल, जो ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगी, गेमिंग में भी बहुत ज़्यादा अच्छी टीवी आपकी, अप स्केलिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से करी, अडाप्टिव ब्राइटनेस नई चीज़ देगी, साथ साथ में मैजिक रिमोट दिया गया है, और कोई भी लैगिंग नहीं हो रही है, MEMC ऑटो लो लेटेंसी मोड गेमिंग के लिए बहुत अच्छी तरीके से, ये सब कुछ तो मिल रहा है। खाली एक चीज़ मुझे कौन लगा इस टीवी में कमी लगी, वो है इसके
20 वॉट के स्पीकर कहीं ना कहीं कम लगता है, वो 30 वॉट के भी होते एक बार, तो मैं कह देता कि हाँ रूम में सही है एक बार 30 वॉट के स्पीकर, 20 वॉट के स्पीकर काफ़ी ज़्यादा कम है। तो आपको एक लिए अलग से एक होम थिएटर सिस्टम या साउंड बार सिस्टम खरीदना पड़ सकता है, अलग से 5,000 रुपये आपको मिनिमम खर्च हो ही जाएंगे। 3,000 रुपये के भी अच्छे आ जा रहे हैं आजकल, आप देख सकते हो जाकर के, लिंक मैं उसकी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अब मुझे गाइस दीजिए यहीं पे इजाजत, टीवी खरीदना चाहते हो लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मेरी तरफ से रिकमेंडेशन 100% है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।